न्यू ब्लॉग तो आपको मेरी शक्ल से लग रहा है बाजार से आई हूँ। तो अभी मैं अनवी को स्कूल से लेके आई, अभी शिवांग को भी लेके आना है स्कूल से। तो अभी आज शिवांग ने ना इतनी गंदी याददाश्त है ना, इसके सामने बॉटल रखी थी, बॉटल भी स्कूल लेके नहीं गया। और ये कल मैंने रात में 11 बजे तक जग के इसका ये प्रोजेक्ट बनाया था, मैथ्स का टेबल 17 की टेबल बनाई थी, 17 बन जाए, ये देखो ऐसे बनाई थी मैंने, 17 बन जाए 17, 17 टू जाए 34, 17 थ्री जाए 51, 74 जो 68, 75 जाए 85, ऐसे मैंने ये टेबल बनाई थी। ये पूरा लास्ट डेट थी इसकी मैथ्स की प्रोजेक्ट की जमा करने की, और ये भूल गया, तो मैं इसको लेके जाती हूँ, अगर जमा हो जाएगा तो ठीक है, ये भूल गया। पर इतनी मेहनत से बनाया था मैंने और शिवांग ने, हम दोनों ने मिल के, और ये भूल गया। तो अभी मैं जाती हूँ स्कूल, शिवांग को भी लेके आती हूँ, ये प्रोजेक्ट बात करती हूँ इसकी टीचर से भी कि अगर वो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसके 10 नंबर कट जाएंगे प्रोजेक्ट के। ये अनवी तो अभी स्कूल से चेंज वेंज करवा दिया, ये अनवी के लिए भी अलग से बनाया, अनवी के लिए मैंने टेम्पररी बनाया, मतलब कुछ भी मैं बनाती हूँ ना शिवांग के लिए तो मुझे अनवी का ही बनाना पड़ता है। ये देखो अनवी का बनाया है मैंने, ये सिंपल सा, अभी इसमें बटन नहीं लगा बस खाली, तो ये अनवी का है, अभी बटन नहीं आऊंगी मैं। एक और अनवी को तो छोड़ दिया है पड़ोसी के घर, फटाफट जाती हूँ इसको भी जमा करवाती हूँ, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है 10 नंबर ना कट जाए शिवांग के, इतनी मेहनत करके बनवाया है इसने और मैंने 10 नंबर ना कट जाए। ये बच्चे ना बिल्कुल याददाश्त, जब तक मम्मा हर चीज हाथ में नहीं देखना तो भूल जाएंगे। को तो ले लिया है मैम से, इसने बोल दिया था कि मैम मेरा बना हुआ घर पे छूट गया तो कल लेके आऊंगा, तो मैम ने कह दिया ठीक है बेटा कर लेना। तो अभी चलते हैं फटाफट घर, ये रहा शिवांग। तो स्कूल से तो बच्चों को ले आई हूँ और चीज खा रहे हैं ये, अभी अभी मैं फिर बनाती हूँ खाना पीना। और शिवांग का आज प्रोजेक्ट तो जमा हुआ नहीं, कल होगा इसका प्रोजेक्ट जमा, हो जाएगा ना तुम पक्का ना। और तेरे कान का दर्द कैसा है, दर्द है देखो, छू लो घी लगाता ना, घी इसमें घी से सही हुआ ये, आपके भी छेद करवा दूं मैं कल ना, घी लगाओगी फिर मैं घी लगाओगी तुम तो घी खा भी जाओगी। तो दोस्तों बच्चे से ट्यूशन से आ भी गए हैं और शाम के अभी टाइम क्या हो रहा है, 7:30 बज रहे हैं, रोहित जी भी ऑफिस से आ गए, आज दिन भर ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करी क्योंकि आज मैं घर के काम में ही लग रही थी। तो अभी मैं जा रही हूँ बाजार तक, रेडी दिखाई दे रही होंगी तो बाजार तक ही जा रही हूँ, क्योंकि ना शिवांग का मैं बैग लेके आई थी, आपने देखा होगा ब्लॉग भी उसका मैंने बनाया था, तो वो बैग लेके, ये वाला बैग लेके आई थी ट्रॉली वाला, इसका 1800 रुपये का गारंटी वाला बैग लेके आई थी। और इसका पता क्या हुआ देखो, इसकी तनी टूट गई, इतना बोझा है पता स्कूल के बैग में, बेचारी की तनी, इसकी बैग की तनी टूट गई। तो अभी गारंटी में है, 1 साल की गारंटी दी थी उसने, तो ये तनी वनी की ये इसकी दी थी, ट्रॉली की तो नहीं दी थी उसने, बट हाँ ये तनिया वगैरह की तो दी थी और चेन वगैरह की दी थी। तो मैं एक बार जाती हूँ उसकी शॉप पे, एक बार पूछती हूँ क्या होगा भाई, या तो ठीक करके देगा भाई, वो तो नया तो खैर देगा नहीं तो अभी ठीक करवा के उसके लेके आती हूँ, क्योंकि इसका स्कूल है ना तो बड़ी दिक्कत हो रही है इसको, स्कूल के बैग में दिक्कत हो रही है, ट्यूशन वाला बैग लेके जा रहा है अभी तो अपना। तो अभी मैं फटाफट जाती हूँ, रोहित जी भी हमारे ऑफिस से आ गए तो चलते हैं सदर बाजार इस बैग को इलाज करवाने। लेकिन वो शॉप कहीं नहीं मिल रही है,
अभी दो चक्कर काटने के बाद में पता चला वो शॉप ही बंद पड़ी है। इतनी देर से मैं घूमने जा रही हूँ, सदर जा रही हूँ, शॉप कहाँ गई, वो शॉप ही बंद पड़ी है। तो कल तो अभी मुझे ठीक कराना बहुत ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं से उसको रिपेयर की शॉप पे देती हूँ मैं फिर से, तो रिपेयर करवाती हूँ ऑनलाइन से। रिपेयर की शॉप पे आए हैं, ठीक करवा लेते हैं, लेकिन मिलेगा कल बैग तो छोड़ना पड़ेगा बैग, तो तोड़ते हैं फिर इनके पास ही बाजार में जैन मंदिर है, तो यहाँ पे महाराज जी आए हुए हैं, इसलिए इतनी सजावट वगैरह हो रखी है, तो एक बार दर्शन कर लेते हैं। अब इतनी दूर आए हैं तो दिखे हैं, तो एक बार दर्शन कर लेते हैं, चलते हैं मंदिर में। पहले देखते लगता है काफ़ी भीड़ है, बहुत भीड़ है, वो अंदर हो रहा है। वाले बाबा हैं जैन बाबा, ये चारों अंदर हैं और ये माता जी, तो इनके प्रवचन हो रहे हैं अंदर, तो काफ़ी रश हो रहा है। और लाइव यूट्यूब पर इनका चैनल है, उस पर लाइव भी आ रहा है, एक बार दर्शन कर लेते हैं। तो बहुत आ रहा है, महाराज जी के दर्शन मिल गए यार, अच्छा हुआ अंदर आ गई। बहुत भयानक भीड़ हो रही है अंदर, तो मैं तो बाहर आ गई क्योंकि रोज जी को भी नहीं बोल के आई, अब लेट हो गई हूँ मैं काफ़ी, वैसे ही शॉप ढूंढते ढूंढते टाइम बहुत वेस्ट हो गया, तो अभी चलते हैं फटाफट घर। और ये लाइव आ रहा है, चैनल पता नहीं कौन से चैनल पर है, यूट्यूब पर लाइव है, यूट्यूब पर इनका खुद का चैनल है, तो उस पर लाइव कर रहे हैं, तो अभी चलते हैं फिर हम घर। आपको सजावट दिखाती हूँ इनके आने की खुशी में, कितनी अच्छी सजावट कर रखी है। लकी हो आप, है ना, दर्शन मिल गए ना आपको बाबा के, चले घर। चेक करी थी आपने उन्हें, करी थी चेक, चलो खाली थे दाल चावल। अरे यार उसकी दुकान तो बंद पड़ी थी बैग वाले की, और मैं घूमती रही इतनी देर तक, तब मैं 40 रुपये लगे बस, तो मैंने कहा चल रिपेयर करवा लेती हूँ, सिलाई लगी हो पूरा खोल के सिलाई लगाएगा 40 रुपये में, ठीक है। कहाँ गई अन्य, बोले कि मिलेगा कल, आपको लाना पड़ेगा कल। यार बता, हमने आज ना गुरु जी के दर्शन करे, अच्छी बात है। हाँ और बहुत टाइम बाद आए थे वो जैन मंदिर, सदर बाजार में जैन मंदिर है ना, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रवचन हो रहा था, बहुत भीड़ थी बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत शूट करा मैंने, देखना कल तुम भी, है ना शिवा, है ना, कितने लकी। बता मैंने कहा यार इतनी सजावट कैसे हो रही है, तो मैंने कहा चल अंदर जाके देखती हूँ, तो अंदर जाके देखा तो पता चला कि ये जो बाहर जो पोस्टर नहीं लग रहे जिम बाबा के, वही बाबा आ रखे थे गुरु जी, वही वाले। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, किस काम से गई थी लेकिन क्या मस्त उनके दर्शन हुए जैन बाबा के, फोटो उनकी लगी रहती है वो बाहर जो लग रहा था पोस्टर, काफ़ी सालों बाद पता चला था मुझे कि काफ़ी सालों बाद वो प्रवचन देने आए थे जैन मंदिर में, तो ये सदर बाजार में पड़ता गुड़गांव के, तो शिवांग को भी बहुत अच्छा लगा, है ना शिवांग। तो अभी मैं खाना ना तो बना के गई थी, तो मैं फटाफट इनको दाल और रोटी दे देती हूँ, चावल तो इन्होंने दाल चावल तो खा लिया, इनको दाल रोटी वगैरह देखती हूँ। हाँ अनवी कहाँ गई, ये देखो अनवी मेरी सो गई, अन्नी ये देखो सो गई, और सोने का तरीका देखो इसका, देखो कैसे सो रही है, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर,
ऐसे कौन सोता है लाडो? लाडो ना पंखा भी नहीं खोला, ना कूलर खोला, एक एसी एसी कुछ नहीं बोला, यूं ही लेट गई। तो इतनी भयानक नींद आ रही थी इसे। तो दोस्तों खाना पीना वगैरह हो चुका और मेरी एडिटिंग भी हो गई कंप्लीट। कितना टाइम हुआ? 11:30 बज रहा है, 10 बजे, 10:30 बजे मैं एडिटिंग करने वाली थी। 1 घंटे मेरी एडिटिंग हुआ है, बच्चे भी सो गए। तो अभी मैं आज का ब्लॉग यहीं पे करती हूँ। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मुझे उन बाबा जी के, गुरु जी के दर्शन करने को मिले, बहुत अच्छा लग रहा है और पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों ऐसा। तो आज का ब्लॉग बस मैं यहीं पे करती हूँ। एंड तो वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना। एंड राधे राधे।